राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज स्थित क्षेत्र में रहने वाली किन्नर मीना के साथ लूटपाट और मारपीट का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब किन्नर मीना अपने समाज की एक मीटिंग के लिए जीवी रोड के रास्ते पर जाते वक्त एक अन्य किन्नर समूह द्वारा अचानक से हमला किया गया, साथ ही उनका बैग, मोबाइल, नगद रकम दिन दहाड़े छीन लिया गया और मीना के साथ मारपीट कर धमकाया गया। इसके बाद मीना को क्षेत्रीय जनता से बचाओ और मीना के द्वारा पुलिस कंप्लेन की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। मीना अपने साथ हुए घटना के लिए पुलिस से कार्रवाई करने के लिए मांग कर रही है, जिसके बाद मीना ने मीडिया को जवाब देते वक्त क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस पूरे वीडियो में। मेरा नाम मीना है, मैं पहाड़गंज संगत राशा में रहती हूँ। ये मेरा छोटा सा आशियाना है जो मैं यहाँ से सभी से बेटा बधाई या कोई शादी विवाह के फंक्शन में जाती हूँ और वहीं से मैं अपना पालन पोषण करती हूँ जी। इन भगवान इनको बनाए रखे, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, इन्हीं से मेरा घर चलता है, इन्हीं से ही मेरा पालन पोषण चलता है जी। अभी 6 तारीख को मैं किन्नर की मीटिंग में जा रही थी जी। ये अजमेरी गेट जीबी रोड की तरफ से जी। तो जीबी रोड की तरफ से मैं जा रही थी, तो वहाँ पर बैटरी रिक्शे से जब मैं जा रही थी तो वहाँ एक क्या कहते हैं वो जो बैन होती है, जो इको गाड़ी से कुछ किन्नर उतरे जिसका नाम अनुचका है, खुशबू है, रुक्षार है और 3 बंदे जो हैं उनको मैं पहचानती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ, क्योंकि उनका नाम मैं फेमस पे नहीं जानती हूँ। अनुज का उतरते के साथ ही मेरे ऊपर छा गई और मेरे थप्पड़ मेरे मुंह पर मारे, जो कि मेरे कानों तक के भी छीन लिए, मेरा बैग छीन कर ले गई, मेरा मोबाइल फोन छीन कर ले गई, मेरे को बहुत गंदी गंदी तरीके से गालियां गलौज दी। मेरा 60 का जन्म है, इस टाइम मैं 62 साल की हूँ, उम्र दराज हूँ। एक मेरे साथ मेरा बच्चा था, वो अभी आता है, कभी मेरे साथ कहीं जाना आना होता है तो चला जाता है। आप अकेली थी? जो है मेरे साथ थी, मेरा एक चेला, बहुत ही चेला है जी। तो आप इन लोगों को पहले से जानते थे या क्या? ये मेरे साथ में मेरे इलाके पे बहुत कब्जा करे बैठे हैं, ये राजा बाजार और ये गोल मार्केट का कुछ हिस्सा है, एक साइड इनका एक साइड मेरा है, लेकिन ये पूरे इलाके के ऊपर बदमाशी के जोर पे, गुंडागर्दी के जोर पर, कुछ जो लाल बत्तियों पे इन्होंने खड़े कर रखे हैं, जिनसे पैसे उगाही करवाते हैं, उनको सारों को इकट्ठा करके और मेरे ऊपर ये हमला करते हैं। इससे पहले भी हमला किया आपके ऊपर? इससे पहले एक बार नहीं, बहुत सारी बार हमला किया है, जो कि ये पुलिस में पैसा भर देते हैं, पुलिस इनके फेवर में हो जाती है, कोई मेरे हक में बात नहीं चलती। एक बार इन्होंने खुद अपने ही क्या कहते हैं ऐसे खरोंचे मार के और मुझे नबी करीम थाने में बंद करा दिया झूठे इल्जाम में। अब इससे पहले आपके साथ जो घटना हुई है या अब जो घटना हुई है, कोई शिकायत आपने की है पुलिस में? मैंने पुलिस में शिकायत की है, लेकिन वो ये आला टाला दे देते हैं कि कल आना परसों आना, क्योंकि वो पैसे खाए हुए होते हैं। क्या कुछ हुआ था पुलिस के साथ आपका, वार्तालाप कुछ बताएंगे? बस मैं पुलिस में यही गई कि कैमरा चेक कर लो, ये कर लो, तब भी पर कोई ऐसा कुछ नहीं होता। एक मेरे किन्नर के साथ में इन्होंने पहले भी हमला किया, मैंने वो कैमरे भी निकलवाए, सब कुछ करवाए, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरे घर के आगे एक बार इन्होंने हंगामा किया, जो कुछ इनकी जैसे इस एरिया के अंदर दुकानें हैं, होटल हैं, उनके कैमरे लगे हुए हैं बाहर सड़कों पे, उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी सब कुछ आया हुआ है, दिखाने के बाद में भी इन्होंने कुछ मेरी कार्रवाई नहीं करी। तो आपके साथ मारपीट हुई है जो मेरे पड़ोस के अंदर? हाँ, जो इस बारी 4-6 तारीख को आपके साथ हुई घटना, कोई कैमरे में वीडियो आई है जो? हाँ जी, वीडियो है वहाँ पे, जो कोने पे ही कैमरा लगा हुआ है, बहुत बड़ा कैमरा है, वो सरकारी कैमरा है, बड़ा कैमरा है। SHO ने तो बस आईओ को ये कहा कि भाई इनकी कार्रवाई कर ली जाए। कौन है आईओ? आईओ
है इसमें जयराम जी। जयराम ने आपसे अभी तक बातचीत की है? अभी तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और सब कुछ मेरी उसमें चाबियां भी हैं, मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट हैं उसमें, पहचान पत्र कार्ड और जो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट के जितने भी एनीवे कार्ड वगैरह होते हैं वो मेरे सबके हैं, और कुछ मेरे बच्चे के भी उसमें, मतलब घर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे, मतलब आपको न्याय दिलाएंगे? मुझे न्याय चाहिए, और इन्होंने एक बार नहीं मेरे ऊपर बहुत बार ये हमला किया है, बहुत बार हमला किया है। एक नंबर के ये झूठे लोग हैं, और मुझे किसी भी केस में और किसी भी चक्कर में मुझे ये बार बार धमकी देते हैं, क्या तो इलाके को छोड़ वरना हम तुझे किसी भी चीज़ में फंसाएंगे, जेल कराएंगे, ये कराएंगे, मुझे ये धमकियों पे धमकियां देते हैं। ठीक। और ये हादसा इन्होंने मेरे साथ एक बार नहीं, ये हादसा मेरे साथ बहुत कई बार कर चुके। ठीक है जी, धन्यवाद।